इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस 14.4 फिगर के अंदर जो सर्किट गिवन है उस सर्किट की आउटपुट वोल्टेज कैसी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एसी सोर्स है और यहाँ पे इस डायोड को लगाया है, तो आप ये मानिए कि ये इनपुट है, ये इनपुट वेव फॉर्म है, क्लियर, इनपुट एसी है। तो अब ये यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है, आउटपुट मतलब यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज तब मिलेगी या वही मिलेगी जो इस डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगी, क्लियर। तो हम इस डायोड को अगर आइडियल माने तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज़ीरो है और इसका रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, क्लियर। तो आप यहाँ पे देखें कि जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी, सो दैट वुड बी एट द हायर पोटेंशियल विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, सो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा इसमें से करंट पास करेगा, बट इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है फॉरवर्ड बायस में, क्लियर। तो यहाँ पे इस डायोड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, आउटपुट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा, इट विल बी ज़ीरो। बट जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये पॉइंट इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये डायोड जो है जो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस का मतलब अब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इस डायोड के अक्रॉस आ जाएगा। तो आपको आउटपुट में इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी, मतलब इसकी क्लिपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव पार्ट की क्लिपिंग होगी, सिर्फ नेगेटिव पार्ट जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगा, एंड दैट वुड बी द वेव फॉर्म लाइक द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हेयर द आउटपुट वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल्स इन द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइकिल्स ही मिलेंगी।